देवा डॉन के नाम से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाले देवा गुर्जर की सोमवार को हत्या हो गई। इस हत्या के बाद इलाके में बवाल मच गया। कुछ समय से देवा गुर्जर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। सोशल मीडिया पर वह देवा डॉन के नाम से फेमस था। हजारों की संख्या में उसके फॉलोअर्स भी थे। सोशल मीडिया पर वह टशन में फोटो डाला करता था। इन फोटोज को उसके फॉलोअर्स वायरल किया करते थे। अब देवा डॉन की मौत के बाद पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समर्थकों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। रावतभाटा क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर दहशत गर्दी का दूसरा नाम था। गुर्जर समाज खासकर युवाओं में उसकी अच्छी खासी पैठ थी। वह बोराबाज गांव का रहने वाला था। ऐसा बताया जा रहा है कि राजनीतिक रसूख के चलते देवा हमेशा हमेशा के लिए अपना दबाव बनाना चाहता था। देवा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था और उसकी काफी चर्चा भी हुआ करती थी। कई बार तो उसने फेसबुक पर लाइव आकर आपत्तिजनक मैसेज भी दिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसकी बड़ी फॉलोइंग थी। नए नए वीडियो बनाने और फोटो खिंचवाने के लिए वह अपने साथ एक कैमरामैन हमेशा रखता था। रावतभाटा क्षेत्र में अपनी दहशत और दबदबे के बल पर ही वह ठेका पट्टा का काम करता था। कई मामलों पर उस पर कोटा और चित्तौड़गढ़ के कई थानों में केस भी दर्ज हैं। उसकी बहन और जीजा पर भी कई मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। देवा डॉन को बुलेट काफी पसंद थी और वह कई बार उसी से घूमने निकल जाया करता था। देवा की दो पत्नियां हैं, दोनों हमेशा देवा के साथ ही रहती थी। टशन दिखाने वह जहां भी जाता था अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर जाता था। देवा की दोनों पत्नियां भी आपसी तालमेल से रहती थीं। हर साल दोनों पत्नियां एक साथ ही करवा चौथ मनाती थीं। देवा की फैमिली में दो पत्नी के अलावा बच्चे और माँ भी हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी देवा के रसूख के दम पर अपना काम चलाते थे। उसकी हत्या के बाद घर में मातम है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बस हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।